हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रीज़न का एक कोस्टर बनाने वाले हैं। तो आज का ट्विस्ट ये है कि मैं रीज़न का जो कोस्टर है वो मैं विद द हेल्प ऑफ मल्टी कलर पेबल्स बनाने वाली हूँ। पेबल्स इन द सेंस जो हम एक्वेरियम में यूज़ करते हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ स्टोन्स टू मेक इट लुक ब्यूटिफुल, तो उसके हेल्प से हम बनाने वाले हैं। तो आज मैं क्लियर रीज़न सोच रही थी यूज़ करूँगी, फिर मैंने सोचा रहता था यूजिंग क्लियर रीज़न क्यों ना अपना एक ओल्ड नेल पेंट मेरे पास जो पड़ा था क्यों ना वो यूज़ करूँ। तो मुझे एनीवेज थोड़ा सा ग्लिटर तो डालना ही था उसमें, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो यूज़ करूँ। तो ये निकलने में काफ़ी टाइम लगा रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा सा वेट करने के बाद फिर वो निकला। सो लेट्स सी, अभी वापस से मैंने उसको थोड़ा सा उसके अंदर नेल रिमूवर डाल दिया था, तो होपफुली अब वो निकलेगा। तो अभी मैं उसमें थोड़ा सा कुछ सम ड्रॉप्स ऑफ नेल पेंट डाल रही हूँ, सो दैट मेरा कलर ना चेंज हो, बस थोड़ा ग्लिटरी शाइन है रीजन के सोल्यूशन में। तो एज यू कैन सी, मेरा मैंने नेल पेंट तो डाल दिया, बस मुझे उसको प्रॉपरली मिक्स करना है, क्योंकि मिक्स करने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम लगता है मिक्स होने के लिए एक्चुअली। सो प्रॉपरली अभी मैं उसको मिक्स कर रही हूँ। अब नेल पेंट मिक्स करने के बाद बेसिकली मैं जो मल्टी कलर मेरे पास पेबल्स पड़े थे वो मैं मोल्ड में डाल रही हूँ। ये मोल्ड जो है ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, और ये बेसिकली कोस्टर बनाने के लिए ही है। तो मुझे अभी प्रॉपरली स्प्रेड करना है वो पेबल्स को इन दैट सिलिकॉन मोल्ड, तो मैं प्रॉपरली स्प्रेड कर रही हूँ। और अब इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मुझे स्प्रेड करने के बाद जो हमने सोल्यूशन अभी बना के रखा था उसको बस मुझे प्रॉपरली डालना है उसमें। सो बेसिकली अब मैं स्टोन्स को प्रॉपरली सेट कर रही हूँ सो दैट वो अनइवन ना दिखे। गाइस, डिफरेंट ग्लिटर्स यूज़ करके, डिफरेंट ग्लिटर कलर्स यूज़ करके, ओनली कलर्स यूज़ करके मैंने काफ़ी सारे कोस्टर्स बनाए हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा सा हेवी कोस्टर चाहिए था, जो कि दिखने में भी अच्छा लगे और थोड़ा सा हेवी भी रहे। तो इसके लिए मैंने सोचा कि हेवी बनाने के लिए, क्योंकि रेजिन तो ओनली रेजिन कभी हेवी बनेगा नहीं, तो मैंने इसके लिए सोचा कि थोड़ा सा स्टोन्स यूज़ करूँ। तो जो स्टोन्स मैंने सोचा, तो वाई नॉट कलरफुल स्टोन्स, तो मैंने यही सोच के कलरफुल स्टोन्स इसमें डाला है। ये स्टोन्स मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़े थे, वो कहीं पे यूज़ नहीं हो रहे थे क्योंकि मेरे पास एक्वेरियम है नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको यूज़ करके मैं कुछ क्राफ्ट कर लूँ कुछ अच्छा सा। सो मैंने इस तरह का एक ईयरिंग भी बनाया है जो शायद से आप लोगों ने देखा होगा, वो काफ़ी उसमें मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे और वो काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आया था। तो मैंने सोचा कि सिमिलर सिमिलर टाइप का थीम यूज़ करके क्यों ना मैं एक और कुछ बनाऊँ जैसे कि कोस्टर। तो जैसे कि आज आप देख रहे हो, मैं बेसिकली ये कर रही हूँ कि सिमिलर टाइप के स्टोन्स एक जगह पर जहाँ पर भी है उसको मैं बस स्प्रेड कर रही हूँ, सो दैट डिफरेंट कलर्स डिफरेंट जगह पर रहे, बेसिकली स्प्रेड ही हो जाए हर जगह पर। तो लेट्स सी क्या होता है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, एंड आई वोंट डिसअपॉइंट यू गाइस, आई कैन प्रॉमिस यू। और आप लोग कमेंट सेशन में कुछ भी रिक्वेस्ट डाल सकते हो, जैसे कि मुझे रिसेंटली बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे और मैं ट्राई कर रही हूँ हर एक रिक्वेस्ट पे मार्क करने के लिए और उस पर काम करने के लिए। सो कीप रिक्वेस्टिंग। और जिन जिन के वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं रिक्वेस्ट के बेसिस पे, आई होप कि आप लोग को भी मेरा वीडियोस अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द रिक्वेस्ट, क्योंकि मुझे उसको काम उस पर काम करते हुए काफ़ी अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आई होप कि आप लोग को भी वीडियोस पसंद आए रहेंगे। स्टोन्स तो मैंने डाल दिए हैं, अब बस मुझे सोल्यूशन को वापस एक बार प्रॉपरली मिक्स करने के बाद उसको पोर करना है इन माई सिलिकॉन मोल्ड। तो स्टोन्स डालने के बाद अब बस मुझे जो मेरा सोल्यूशन है वो प्रॉपरली इवनली डालना है इन दैट सिलिकॉन मोल्ड। तो मैं केयरफुली डाल रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ स्टोन्स जो है वो कोनिकल शेप के हैं, तो अगर उसको प्रॉपरली मैं हॉराइजेंटल शेप में नहीं रखूँगी तो वो कोनिकल वाला जो उसका पॉइंट है वो ऊपर आ जाएगा, एंड इवन इफ मैं रीजन का सोल्यूशन उसमें डालूँगी तभी भी वो इवन नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो भी सारे कोनिकल स्टोन्स थे आप देख पा रहे हो, मैंने कुछ कुछ निकाल के साइड में रखे हुए हैं। अब बस मैं रीजन का जो मेरा सोल्यूशन है वो मैं प्रॉपरली पोर कर रही हूँ, तो मतलब ओबियसली प्रॉपरली ही डालना पड़ेगा, नहीं तो वो अनइवन लगेगा और अच्छा नहीं दिखेगा। सो लेट्स कीप पोरिंग जब तक ये फुल ना हो जाए। सो एज यू कैन सी, हमने इसको पोर तो कर दिया है, अब बस हमें वेट करना है फॉर 24 आवर्स, जो कि सबसे
मुश्किल चीज़ें मेरे हिसाब से, तो आई एम श्योर आप लोगों को भी लगता रहेगा। तो आफ्टर 24 आवर्स मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, सो 24 आवर्स के बाद एज यू कैन सी हमारा कोस्टर जो है बन के रेडी हो गया। मैंने जैसे कि बोला था ग्लिटरी शाइन तो आ ही रहा है, चलो काम तो किया वो नेल पेंट, अब बस हमें डीमोल्ड करना है इसको एंड लेट्स सी ये कैसा दिखता है। वाओ इट्स लुकिंग रियली गॉर्जियस और ये बहुत ही क्यूट लग रहा है। ये मैंने बेसिकली अपनी मम्मी के लिए बनाया है क्योंकि उनको चाय पीना बहुत पसंद है, तो उनको कोस्टर चाहिए रहता है हमेशा। सो आई होप कि आप लोग को मेरा जो ये कोस्टर ही अच्छा लगा होगा एंड मुझे आई एम श्योर आप लोग भी ज़रूर ट्राई करोगे इसको घर पे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।